ये चीज़ें को आज हम ढूंढ कर लाए हैं आपके लिए, और कहते हैं कि इस स्थान से आप सामने जो देखेंगे, जो झंडा दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे ये जगहों के निशान हैं। आज भी हम सब ब्रजवासी बड़े भाव से अपने कृष्ण को याद करते हैं। यहाँ पर बाबा जो रहते हैं वो यहाँ पर जल रखते हैं, और आप जल दे सकते हैं, ऐसे मानो जैसे कटोरा हो बहुत बड़ा, इस तरह से इसमें जल डाल देते हैं, जिससे कि पक्षी जो होते हैं इसे बीहड़ पहाड़ पर अपना जल पीने के लिए आनंदित होते हैं। और अब आप तैयार हो सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का द्वापर काल का वो आनंद का दर्शन करने के लिए। हमारे साथ में आप एक कुटिया भी देख रहे होंगे, और ये जो कुटिया है ना, इसमें एक संत रहते हैं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं की खोज में जा पहुंचा है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये विहंगम दृश्यों में कि किस तरह से हम पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में खड़े हुए हैं। ये पर्वत श्रृंखला वो श्रृंखला है जो भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए नंदगांव से जब यहाँ पर कामा की इन दिव्य पहाड़ियों में आते थे, तो उस समय यहाँ पर आज भी ब्रजवासी कैसे उनकी याद में इन पहाड़ों के चिन्हों के रूप में या अपने प्रकृति के रूप में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करते हैं। ऐसा ही दर्शन आज हम आपको कराने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण की बंसी, भगवान श्री कृष्ण के गाय के खुर के निशान, भगवान श्री कृष्ण के 56 कटोरे, और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए वो सारी चीज़ें आज इस पहाड़ी पर विद्यमान है। आप मेरे पीछे देखेंगे ये चरण पहाड़ी है, और चरण पहाड़ी का मंदिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और उसके पीछे वाले रास्ते पर हमको जानकारी मिली है, या फिर हमारी खोज है कि किस तरह से वहाँ भगवान श्री कृष्ण का आज भी उनकी लीलाओं का जो दर्शन होता है इन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में। मैं आपको बता दूं कि अनुभव की चीज़ होती है, ये पत्थर हैं, इनकी उम्र करोड़ों वर्ष होती है, और इन पे चिन्ह होना हम सब भक्तों और ब्रजवासियों का यही भाव है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण कभी इन पर्वत श्रृंखलाओं पर अपनी गौमाताओं को लेकर जो गौचरण लीला की है, उसी लीला के समय उनके कुछ चिन्ह हैं। आज हम उन चिन्हों को, उन लीलाओं को, यहाँ पर भगवान कृष्ण की लीलाओं को याद के रूप में देखते हैं। हम इस पहाड़ी के सारे सारे आपको दिखाना चाहते हैं, और एक तरफ मैं कहना चाहता हूं कि आप चारों तरफ का जो व्यूज़ देखेंगे इस समय, ये पूरा पहाड़ी इलाका है, और इस पहाड़ी इलाके पर भगवान श्री कृष्ण द्वापर काल में यहाँ गैया चराने के लिए आते थे, और उसी समय के कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिसका दर्शन आज और हम करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए हम आपको इन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से आपको लेके चलेंगे भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराने के लिए, कहें तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद देने के लिए। और हमको उधर जाना होगा, आइए चलते हैं, और आप भी मेरे पीछे पीछे आइए सभी। और सबसे मेरा निवेदन है आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों में शेयर करें। ये कामा पहाड़ी, ये कामा जो पड़ता है, ये कामा आदिबन कामा जैसे कहते हैं, आदिबन कामा, उसी के पास चरण पहाड़ी नाम की ये पहाड़ी है, और इसी पहाड़ी के पास में ये चिन्ह हमको मिले हैं। तो ब्रज दर्पण जिस तरह से आपको ना जाने कितने ऐसे दर्शन है जो आपको कराता आया है, उसी कड़ी में आज भगवान श्री कृष्ण का हम आपको साक्षात्कार कराने वाले हैं कि किस तरह से इस पहाड़ी पर आज भी भगवान श्री कृष्ण के होने का प्रमाण है। और जब हम इस दर्शन करने जा रहे हैं उस जगह का, तो आप देख सकते हैं कि बीच में पड़ेगा ये चरण पहाड़ी, जिसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका दर्शन भी आप कर सकते हैं। हमारे आई बटन में जाके ऊपर इसका दर्शन कर सकते हैं, इस जगह का, इसको चरण पहाड़ी कहते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान है। लेकिन आज का जो हमारा अध्ययन है वो अध्ययन है इस प्रकार, आप मेरे पीछे ये देखेंगे, आप ये देखिए, आप ये है मेन, ये चीज़ें को आज हम ढूंढ कर लाए हैं आपके लिए, और कहते हैं कि इस स्थान से आप सामने जो देखेंगे, जो झंडा दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे ये जगहों के निशान हैं। आज भी हम सब ब्रजवासी बड़े भाव से अपने कृष्ण को याद करते हैं इन पहाड़ियों पर, इन वृक्षों में, इस ब्रज की लता पताओं में हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का याद करते हैं। और ये आप सब देख रहे हैं, और हम अपनी यात्रा को आगे लेके चलेंगे। आज जो आपको हम दर्शन कराने वाले हैं वो एक अलौकिक दर्शन होने वाला है, और ये जिस तरह से इन पहाड़ियों पर जो गौचरण लीला हुई है, और उस गौचरण लीलाओं के मध्य में यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण के कुछ ऐसे साक्षात चिन्ह हैं, ऐसे ऐसे दर्शन हैं, उनको देखने के लिए भक्त लोग भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर से भी यहाँ पर लोग आते हैं,
और ऐसी दिव्य जगहों का दर्शन करते हैं। हम भी आपको ब्रज दर्पण चैनल पर वो स्थान का दर्शन कराने वाले हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे कितना सुंदर ये जगह है। जो जीव हैं जैसे कि पक्षी है, मोर है, कबूतर हैं, उनका दाना डालने के लिए ये जगह है जो कि हमें रास्ते में मिली है। ये भाप देख पा रहे हैं आप, थोड़े आलू भी पड़े हुए हैं और बाजरा टाइप भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। और हम आगे की तरफ चलें तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी दिलचस्पी और बढ़ती जा रही है कि किस तरह से आज एक और नया दर्शन भगवान श्री कृष्ण का आज हमको होने वाला है। और आप इस वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों में इसको शेयर करना ना भूलें। जब हम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो उस रास्ते में आप देखेंगे एक बहुत ही सुंदर भाव का यहाँ पर दर्शन होता है कि कैसे पक्षियों के लिए, वन्य के जीवों के लिए यहाँ पर बाबा जो रहते हैं वो यहाँ पर जल रखते हैं। और आप जल देख सकते हैं ऐसे मानो जैसे कटोरा हो बहुत बड़ा, इस तरह से इसमें जल डाल देते हैं जिससे कि पक्षी जो होते हैं इसे बीहड़ पहाड़ पर अपना जल पीने के लिए आनंदित होते हैं। और हम भी अब बिल्कुल ये देख सकते हैं ध्वजा के पास पहुंच चुके हैं और अब आप तैयार हो सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का द्वापर काल का वो आनंद का दर्शन करने के लिए। हमारे साथ में आप एक कुटिया भी देख रहे होंगे और ये जो कुटिया है ना इसमें एक संत रहते हैं। और ये ध्वजा, और ध्वजा के पास में अब हमारे समस्त दर्शनों की शुरुआत होगी। और आप देख सकते हैं कि फाइनली हम उस स्थान तक पहुंच चुके हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण की गौचरण समय की लीलाओं के कुछ यहां पर यादें हैं, चिन्ह हैं, जिन्हें आज भी हम इस पर्वत पर बड़े भाव के साथ में इसका दर्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई प्रत्यक्ष लीला हो लेकिन आप भाव से इन चीज़ों का दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमको तुलसी महारानी का दर्शन हुआ है और जो संत यहाँ पर रहते हैं जो कि फ़िलहाल अभी इस कुटिया में नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं उन्होंने इस पर्वत के ऊपर यहाँ पर तुलसी महारानी को लगाया हुआ है। एक छोटी सी क्यारी भी यहाँ पर बनाई हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि मूली बोई है बाबा ने और ये पानी की व्यवस्था है। और इसके पीछे की साइड में आप देखेंगे इस कुटिया के तो वहाँ पर थोड़ा हनुमान जी का एक स्वरूप में एक शिला आपको दिखाई दे रही होगी, वो देख सकते हैं आप। और एक संत की कुटिया का आप दर्शन पूरा कर पा रहे हैं इस पहाड़ी पर। और इसके पिछले भाग से अगले भाग की तरफ हम चलेंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण जिन बर्तनों में जिस जगह पर बाल भोग पाते थे कहीं तो 5000 साल पुराने वो बर्तन आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्राकृतिक नेचुरल जो दर्शन है वो दर्शन आप इस समय यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये कृष्ण का कटोरा है, इसमें भगवान श्री कृष्ण अपना बाल भोग पाते थे, पात्र नहीं होने पर गैया चराते चराते। ये भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम भैया का कटोरा है। तो कृष्ण और बलराम उनके कटोरा हैं। उसके अलावा जितने भी सखा भगवान श्री कृष्ण के हैं उन सखाओं का दर्शन, उन सखाओं के कटोरा भी आप देख सकते हैं। ये तीसरा कटोरा आप देखेंगे ये भगवान श्री कृष्ण के सखाओं का जो कि साथ में आते थे नंदगांव से। और इसके अलावा चौथा भी यहाँ पर है, चौथा आप दर्शन करेंगे। ये कटोरा आप देख सकते हैं, ये पाँचवा कटोरा, ये छः कटोरा, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये दस। शास्त्रों में किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण गौचारण के समय पे यहाँ पर इस तरह का जगहों पर अपना बाल भोग रख के पाया है। धन्य है ये शिला, आप देख पा रहे होंगे ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से कितना सुंदर दर्शन आज हम और आप इसका साक्षी बन रहे हैं। इस आदिवन कामा क्षेत्र की पहाड़ियों पर आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर एक एक दर्शन यहाँ पर हम कर पा रहे हैं। इसके अलावा आप इन दर्शनों को जब देखेंगे, ये बाबा की कुटिया है पीछे देख सकते हैं, ताला लगा हुआ है। इस कुटिया के अंदर भी बड़ा दिव्य दर्शन था लेकिन ताला लगने की वजह से वो दर्शन नहीं करा पाएंगे। अब हम फाइनली आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय बंसी, वो बंसी जिससे वो गोपियों को रिझाते थे, और उस बंसी का दर्शन भी आज यहाँ पे इस पहाड़ी पर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ भगवान श्री कृष्ण के बंसी के पहली बार दर्शन आप करेंगे। ये देखिए ये शिला सभी शिलाओं में सबसे अलग है और इस शिला के अंदर ये देखिए आप बंसी, ये भगवान श्री कृष्ण की बंसी है जिसको पकड़ के वो बजाते थे। ये बंसी का पिछला भाग है और ये पूरा भाग आप देखेंगे क्लोज से, ये पूरी बंसी है भगवान श्री कृष्ण की। जो संत यहाँ पर रहते हैं उन्होंने हमको बताया इसके बारे में। और ये कुछ अजीबो तरीका का, जैसे मानो कि बंसी को सजा के रखा हो, ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे जो आकृति होती हैं, इसे मकराकृति भी कह सकते हैं, जैसे कुंडल की तरह
ये देखिए ये मकराकृत कुंडल के से निशान यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप दर्शन करेंगे, ये भाव के दर्शन हैं और इन चीज़ों को समझने के लिए आपको भाव की आवश्यकता पड़ती है। लोग कई ऐसे लोग होते हैं जो कि इसमें सवाल करते हैं कि अरे नहीं ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब शास्त्रों के अनुसार इन जगहों पर भगवान श्री कृष्ण आए हैं, इन पहाड़ियों का जिक्र है उसमें, तो आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से ये बंसी का आप दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये बंसी, ये अलौकिक दर्शन हम आज ब्रजदर्पण चैनल के माध्यम से कर पा रहे हैं। और इधर की तरफ देखेंगे तो इधर पहाड़ी पर कुछ भी नहीं है, जो दर्शन है वो बाबा की कुटिया के जस्ट सामने, यानी कि कह सकते हैं कि बाबा की ही ये खोज रही है और उन्होंने वहीं पर कुटिया बनाई है जहाँ पर ये जगहों के निशान यहाँ पर इनको देखने को मिले हैं। और केवल केवल यहाँ पे आप देखेंगे इन्हीं जगहों पर ये रिपीट रिपीट दे सकते हैं। ये कटोरा देखिए, ये नेचुरल बने हुई चीज़ें हैं और ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं। और इन दर्शनों का यहाँ पर होने का सीधा सीधा अर्थ है, जैसे गैया चराने के लिए जब ठाकुर जी यहाँ पर आए हैं तो उस समय इन 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 जगहों पर, इन गड्ढों में, इन कटोरों में उन्होंने अपना बाल भोग रख के पाया है। ये हमारे और आपके लिए बड़ा सुंदर दर्शन है। और इस पहाड़ी पर केवल इसी क्षेत्र में ये सारे दर्शन विद्यमान हैं, बाकी पूरा दूर दूर तक आप देखेंगे यहाँ पर पहाड़ियों पर जो लगा हुआ है वो अपने और तरीका का यहाँ पर ये होता है। और भगवान श्री कृष्ण का एक चीज़ और हम अनुभव कर पा रहे हैं यहाँ पे, ये बाबा ने ये पत्थर जो उठा के रखे हैं, ये देखिए ये चरणों के निशान, आप ये बाल कृष्ण के चरणों के निशान कि किस तरह से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो सीधा पैर जो होता है, इस तरह का पैर का निशान यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस शिला के ऊपर। और ये देखिए पूरा ये पैर है और ये अंगूठा, आप उसका दर्शन कर सकते हैं इस पर्वत पे, इस पत्थर पे। और ये हम आपको उठा के भी दिखा सकते हैं। और इस तरह का ये बाबा ने यहाँ पर सब चिन्हित, जितने भी हैं संतों ने इनको चिन्हित करके यहाँ पर रखा है, ताकि वो इसका सुख, जिन्होंने अध्ययन किया, जिन्होंने इसका सुख लिया है, उस सुख को वो और लोगों में भी बता सकें। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पत्थर है, ये पत्थर बाबा ने बड़े संभाल के रखा हुआ है। और इस पत्थर में आप देखेंगे उंगलियों के निशान, जैसे हाथ रखा हो और ये उंगलियों के निशान आप दे सकते हैं इस तरीके से। और ये भाव आप देखेंगे यहाँ उंगलियों के निशान भी ठाकुर जी के हैं। और एक एक पत्थर और है, इसका हम देखें तो ये देखेंगे आप इस तरह की थप्पी, और देखिए यहाँ पर भी इस तरह के उंगलियों के निशान हैं इस पे पत्थर पे आप देखेंगे। ये समस्त भाव के दर्शन हैं जो कि हम और आप कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि द्वापर काल की जो लीला इन पर्वतों पर हुई है, आज भी हम इन चिन्हों के रूप में अपने ठाकुर जी बलराम भैया समस्त लीलाओं का आनंद हम ले सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ में एक बेर लगता है जिसका दर्शन आप करेंगे। ये जो खट्टे मीठे जो बेर होते हैं, उन बेरों का आप दर्शन कर पा सकते हैं किस तरह से ये बेर यहाँ पे लगते हैं। इस पर लाल बेर एक भी नहीं है, लेकिन इस तरह का पहाड़ियों पर ही ये बेर होते हैं। और हमारा और आपका जो आनंद है, उस आनंद को हम दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ पे। और अनेकों अनेक दर्शन हमें इस स्थान पर मिले हैं, इस बाबा की कुटिया के जस्ट सामने मिले हैं। तो ये आज का हमारा ये भाव, हमारा ये दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएँ। श्री धाम आदिमन कामा से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।